नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। हमेशा चर्चाओं में बने रहने वाले, सुर्खियों में बने रहने वाले पकरी बरामा के थानाध्यक्ष अजय कुमार पर एक और गंभीर आरोप लगे हैं, और वो आरोप लगाने वाले कोई और नहीं है, वो भी सुर्खियों में रहने वाले शख्स हैं। उसी थाना इलाके में एक पंचायत है कबला, और उस कबला पंचायत में एक गांव है लीलो। लीलो गांव के रहने वाले हैं प्रमोद सिंह, चर्चित नाम है। और इनकी एक और पहचान ये है कि उस कबला पंचायत के मुखिया जो है उर्मिला देवी, उसके पति हैं प्रमोद सिंह। तो प्रमोद सिंह के द्वारा पकरी बरामा के थानाध्यक्ष के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और वो हम कोई आपसे मनगढ़ंत ये बातें नहीं कह रहे हैं, उनका पूरा बयान सुनाएंगे जो मेरे पास आया है। लेकिन उससे पहले जो प्लॉटिंग है इस पूरे प्रसंग का क्या है वो हम आपको बता देते हैं। मसला कुछ यूं है कि एक FIR दर्ज हुआ था पकरी बरामा थाने में, कांड संख्या 466/2024, दिनांक 16/10/2024। और इस कांड के सूचक हैं कबला गांव के चंदन कुमार, पिता जुगल सिंह। इन्होंने कंप्लेन दिया पकरी बरामा थाने में, जो कि 16 अक्टूबर के डेट में रजिस्टर्ड है, लेकिन घटना 15 अक्टूबर की शाम, देर शाम 7 बजे के करीब बताते हैं कि हम अपने घर में बैठे हुए थे बच्चों के साथ। इसी दौरान कुंदन सिंह, गांव का ही कुंदन सिंह, राहुल कुमार और प्रमोद सिंह लीलो, ये तीनों लोग आए। तीनों लोगों के हाथ में रड था और ये तीनों लोग गाली गलौज करने लगे, और जब हमने गाली गलौज करने से मना किया तो इन तीनों ने अपने हाथ में लिए रड से हमारे सर पर मार दिया, प्रहार कर दिया, जिसमें हम जख्मी हो गए। हमें बचाने के लिए हमारी पत्नी निभा देवी जब सामने आई तो उसे भी बाल पकड़ करके पटक दिए, और उससे पर भी लात घुसा से प्रहार किए ये लोग। और इस बीच में कुंदन की पत्नी पिंकी देवी और कोई जनार्दन सिंह की पत्नी, जयनंदन सिंह की पत्नी सरोज देवी हैं, वो लोग भी आई और उन लोगों ने भी मारपीट किया वगैरह वगैरह, ये आरोप है। प्राथमिकी की सूचना डीले से देने के कारण बताया कि हम और पत्नी दोनों जख्मी हो चुके थे, इलाज कराने के बाद हम थाना में पहुंचे हैं और हम FIR दर्ज करा रहे हैं। ये तो हो गया कुंदई चंदन कुमार का पक्ष, जिन्होंने की FIR दर्ज कराया है। अब इनकी जो इसमें प्रमोद सिंह का जब नाम आया है, तो प्रमोद सिंह की पत्नी जो मुखिया है उर्मिला देवी, इन्होंने पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दी है और उसमें पूरे मामले की जांच करने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि जो कंप्लेन इन्होंने दिया है उसमें इनका कहना है कि जो पीड़ित या सूचक है इस केस का चंदन, और जो आरोपित है दो लोग उसी गांव के, कुंदन और राहुल, ये दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। अब उन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में क्या विवाद है उससे बल हमारे पति को कोई लेना देना नहीं है, मोटा मोटी यही कहना है जो SP साहब को जो आवेदन दिया गया है उसमें। इनका ये कहना है कि चंदन जो है, जो कथित तौर पर जिसके साथ मारपीट हुई है, वो पैक्स अध्यक्ष नवल कुमार बबलू का वाहन चालक है, गाड़ी चलाता है, और दुर्भावना से ग्रसित होकर के केस कराया है, इसलिए इसकी जांच कर न्याय देने की मांग की गई है मुखिया के द्वारा। इधर प्रमोद सिंह का एक वीडियो मेरे पास प्राप्त हुआ है, इसमें वो कह रहे हैं, बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं वो, कि एक जानबूझ करके साजिशन ऐसा किया गया है। हम पंचायत के मुखिया करीब 20 साल से, एक बात और जानकारी दे दें कि उस कबला पंचायत के मुखिया लंबे समय से, बीच में एक टर्म संभवतः इनके परिवार के लोग नहीं रहे थे, बाकी किसी न किसी रूप में करीब 15-20 साल से मुखिया जो है प्रमोद सिंह के ही परिवार के कोई न कोई सदस्य रहे हैं, और इनका अपना एक प्रभाव है। पहले ही बता चुके हैं कि थानाध्यक्ष अगर चर्चाओं में बने रहने के आदि हैं तो प्रमोद सिंह भी चर्चाओं वाले व्यक्ति ही हैं।
तो हम क्या आपको ज्यादा दें बताएं, उससे बेहतर है कि आपको लिए चलते हैं प्रमोद सिंह की जो वीडियो मेरे पास उपलब्ध हुआ है, वो किस रूप से थानाध्यक्ष पर किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो पैक्स अध्यक्ष है नवल कुमार और उसका वो जो चंदन के माध्यम से FIR साजिशन कराया गया है और ये पैक्स अध्यक्ष का थानाध्यक्ष से बहुत क्षति है, गाढ़ी ये है और कुछ काम धाम भी कराए हैं, क्या क्या है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं प्रमोद सिंह का बयान सुनाते हैं और उसके बाद उस बयान से बहुत कुछ आपको साफ हो जाएगा, पूरे घटनाक्रम का प्लॉटिंग क्या था हमने आपको बता दिया है। एक अपील है दोस्तों कि अब तक अगर आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए आपको प्रमोद सिंह का पूरा बयान सुनाते हैं। क्या मामला आपके साथ हुआ? मामला देखिए यही हुआ कि कबला गांव जो है हमारे पंचायत में ही कबले के नाम से मेरा पंचायत है। हम आज 20 साल से मुखिया प्रतिनिधि के रूप में पंचायत में कार्य कर रहा है। पंचायत आना जाना तो मेरा होते रहता है। कबला गांव में जो है 15 तारीख को, ये भी पूरा कन्फर्म हमको नहीं है 15 को हुआ कि 14 को हुआ, 15 अक्टूबर हाँ ये जो बीत गई 15, एक चचेरा भाई में और चचा और भतीजा में यही सब में झगड़ा आपस में हुआ। झगड़ा करने वाला व्यक्ति जो है आपस में झगड़ा किया और थाना केस करने के लिए गया, उसमें मेरा नाम डाल दिया। जबकि उस घटना से हमारी कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए हम SP साहब को भी लिखित सूचना दिए हैं, अपने पत्नी उर्मिला देवी जो इस पंचायत की वर्तमान मुखिया है उनके द्वारा, और DSP साहब को भी सूचना दी गई है उर्मिला देवी के द्वारा। SP साहब को कब जानकारी दी गई? आज ही लगता है हमारी पत्नी गई थी वहाँ देने। कितना तारीख है आज? तारीख तो 21 है, 21 अक्टूबर जी। हमको हर जगह से आश्वासन भी मिला है कि जाँच होगी और देखना है कि क्या होता है। ये जो हम एक निवेदन तो जरूर करेंगे अपने प्रशासनिक आला अधिकारी से, ये जो थाना प्रभारी हमारे हैं ये पहले भी हमको धमकी दे रहे थे कि आपको हम अंदर भेज देंगे, आप बबलू सिंह पैक्स के विरोध में काम मत करो। अनेकों तरह के बहाना लेके हमको धमकी देते थे कि इसमें फंसा देंगे उसमें फंसा देंगे। ये हमको आज तक मालूम नहीं हो पाया कि ऐसा थाना प्रभारी मेरे प्रति क्यों सोचते हैं, जबकि हमारे खिलाफ में जो है 2016 के बाद कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई और मैं ये प्रभारी महोदय को भी बताया, लेकिन कोई आदमी हमको बता रहा था कि अरे कुछ पैसा उसा चाहते हैं इनको पहुंचाइए ये ठीक रहेंगे, नहीं तो नहीं पहुंचाइएगा तो ये कहीं फंसा देंगे आपको, आपको ये टारगेट कर रहे हैं। और वो चीज़ आज हमको जब FIR मेरे ऊपर तब्दील हो गया। FIR में क्या मामला लाएगा, कौन सा आरोप? FIR तो अभी तो 15 तारीख को हुआ ना, FIR में 15 तारीख हुआ तो उसे क्या आरोप क्या लगाया गया? हम पे कहा गया है कि हम रड लेके वहाँ खड़ा थे और मार रहे थे और कह रहे थे कि जो है मारो इन लोग को, जो होगा देख लेंगे। मुझे उसमें साले शब्द का भी इस्तेमाल FIR में लिखा गया है, खैर हमको साले शब्द बोलना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम एक ही बात कहते हैं कि इतनी रड से पिटाई हुई उस व्यक्ति का और उस व्यक्ति का इंजुरी होगा ना, उसको और कहीं कोई उसका मेडिकल रिपोर्ट तो होगा ही बिल्कुल। और जानकारी लेने के लिए प्रशासन के पास तो बहुत सारे तंत्र है, किसी चीज की सच्चाई प्रशासन चाहेगी तो नहीं छुपेगी। हाँ देर हो जाए, लेकिन ये मामला में तो देर होने वाला भी नहीं है, इसमें तो सब लोग यही मौजूद है जो झगड़ा किया है, गांव ग्राम जो देखा है सुना है, फिर भी हमारे नाम दे दी गई। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इमलानुभूति लगा कि हमसे हाँ, पैक्स चुनाव है, पैक्स चुनाव के लिए ये सब खेला है। वो जो है जो पैक्स अध्यक्ष वर्तमान में है वो थाना में छतरी लगाया है, बड़ा बाबू के सेवा सत्कार में लगा रहता है, आबो भाव में लगा रहता है, बड़ा बाबू उस पर खुश है। वो पंचायत में कहता है कि हम जो थाना में चाहेंगे वही होगा,
इससे ज़्यादा तो इस पे मेरा एक ही बात है कि हमारी सुनी जाए, नहीं तो अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम और आला अधिकारी के पास जाएंगे। इससे पहले और कभी आपसे थाना प्रभारी भेंट हुई थी? थाना प्रभारी से हमको या मोबाइल पर बातचीत हुई होगी? एक बार नहीं, उसके पहले नहीं, बहुत पूर्व में एक बार मेरे खिलाफ झूठ की एक ऑडियो वायरल हो गई। तो ऑडियो वायरल हुआ तो 3-4 दिन के बाद थाना प्रभारी हमको बुलाए और जो आदमी के ऑडियो जिसके द्वारा वायरल हुआ था, जो इसका अथी था या कोई शायद लिखित अथी शिकायत हुआ था कि, तो वो आदमी को बुलाया गया, पूछा गया एक दूसरे को, वो बोले कि नहीं इनसे हमारा कोई अथी नहीं है, हम लोग कहीं कोई इस तरह का बात नहीं करते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो है। उसको ऐसे कर लीजिए कि हम लोग वहाँ पे कोई लेन देन के मामले में कुछ बातें हुई थी जो आपस में जाके वहाँ पे कंप्रोमाइज हो गया थाना प्रभारी महोदय के सामने। थाने पर कंप्रोमाइज? जी थाने पे हुआ था। उसके बाद? उसके बाद बस 2 बार हमको फोन पर धमकी मिला। फोन पर धमकी? हाँ, जब वहाँ बुधौली पंचायत में मुखिया जी का हत्या हो गया तो वहां पर भी हमको धमकी मिला कि उससे तुम्हारा क्या संबंध है, तुम्हारा भी इसमें हाथ है, बुझे। हम बोले आप जांच करवा लीजिए, अगर हाथ है तो, अगर हम दोषी हैं तो छिपेगी, हम पे भी कार्रवाई होगा। हम तो आज भी कहते हैं कि जिस अभी हम आवेदन दिए हैं, लोग इसकी जानकारी ले लें, सच्चाई पता कर लें, पारदर्शिता कर लें, अगर हम उसमें कहीं इन्वॉल्व हैं तो हमको कड़ी से कड़ी दंड दें।